बेस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे और हम एक्सरसाइज 16.3 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस किया था। देखिए जो प्रॉब्लम नंबर थर्ड है अपने हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो भी अगेन एक थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है और ये बोर्ड में आया हुआ भी प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इस प्रॉब्लम के बाद आपको खुद से क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे पास उसमें हम कुछ और यूनिक प्रॉब्लम उठाएंगे। देखिए 16.3 बहुत ही एक यूनिक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से हमारे पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी हमारे पास 16 चैप्टर में से उसमें से चांस जो है उसकी अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी 16.3 यानी बेस थ्योरम से ज़्यादा है और इसीलिए हम इस एक्सरसाइज पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से बने और यही कंसेप्ट जब हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो देन हम अच्छे से इसको वापस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हम वापस एक बात देखिए आप, तो फर्स्ट हमें बेस थ्योरम क्या थी क्या नहीं है वो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है कि बेस थ्योरम में हम कोज जाने की कोशिश करते हैं कि किससे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ या फिर हम उसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करने वाले हैं, तो क्वेश्चन देखिए आपके पास है, बैग फर्स्ट कंटेंट 3 red and 4 black balls एंड बैग सेकेंड कंटेंट 4 red and 5 black balls। वन बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकेंड एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। तो देखिए सबसे पहले अगेन हम जिस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं तो फर्स्ट हम उसको डायग्राम को सेट करेंगे, डायग्राम सेट करने के बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बैग फर्स्ट कंटेन 3 red and 4 black balls, तो इट मीन्स हमारे पास टू बैग है, एक है हमारे पास बैग फर्स्ट है, ये आपका बैग फर्स्ट बैग है, ये आपके पास बैग सेकेंड है। बैग फर्स्ट कंटेन 3 red and 4 black balls, तो 3 red and 4 black balls एंड बैग सेकेंड कंटेन 4 red and 5 black balls। वन बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकेंड, वन बॉल वो ट्रांसफर करता है इधर से, वन बॉल ट्रांसफर करता है। तो वन बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकेंड इट मीन्स वो बॉल क्या हो सकती है, वो बॉल रेड बॉल हो सकती है, वो ब्लैक बॉल हो सकती है। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास प्रोबेबिलिटी बनती है, मेरे पास जो केस है, केस मेरे पास बेसिकली यहाँ पे टू केस बनते हैं, वही हमें एज ए इवेंट कंसिडर करनी है कि फर्स्ट बैग से जो मैं बॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ बैग सेकेंड में, वो बैग आइदर मेरी रेड हो सकती है या ब्लैक बॉल हो सकती है। तो द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हाँ The ball is drawn from back second and then a ball is drawn from back second। आपने यहाँ से इसमें से एक बॉल इसमें से ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर करने के बाद फिर आपने यहाँ से एक बॉल सेलेक्ट की, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ रहे हैं, इस बैग में से एक बॉल यहाँ पे आपने ट्रांसफर की, ट्रांसफर करने के बाद जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है अगेन फिर से आपने इसमें से एक बॉल को यहाँ से ड्रॉन किया, ड्रॉन फ्रॉम द बैक सेकेंड, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, तो वो जो बॉल मिलती है आपको वो रेड इन कलर है, यानी आपके पास यहाँ से अगर अपन देखें तो ए जो है दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट एसोसिएटेड विद द इवेंट ईवन एंड E2, और ईवन है यहाँ से कि द बॉल द फर्स्ट बॉल जो ड्रॉ एक बॉल जो यहाँ से फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में आपने ड्रॉन की है, तो इवेंट ईवन एंड E2 दो इवेंट है, तो फर्स्ट है कि आपके पास क्या बनेगा, ड्रॉन इन फाउंड टू बी कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, यानी जो बॉल आपने ट्रांसफर की थी वो ब्लैक थी। तो क्वेश्चन समझेंगे, सबसे पहले आपके पास इवेंट फर्स्ट इवेंट है, इवेंट इवन है आपके पास कि द ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन करने के बाद आपने यहां से क्या, फिर आपने क्या किया इसमें से बॉल फाइंड की और उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी जब आपने फर्स्ट इवेंट यानी आपने जो बॉल ड्रॉ की थी वो रेड थी आपके पास, तो ये ए अपॉन इवन क्या है आपके पास, ए अपॉन इवन है, देखिए द ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड व्हेन द ट्रांसफर्ड बॉल इज, व्हेन द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, ट्रांसपोर्ट बॉल जब रेड थी तो अगेन हमने रेड सेलेक्ट किया। E2 देखिए, E2 केस क्या है आपके पास, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ये हमारे पास सेकंड केस है और उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि ड्रॉन बॉल जो अगर ब्लैक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे और डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे
जब ब्लैक बॉल हमने ड्रोन द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक और उस केस में ड्रोन नहीं ट्रांसफर्ड, तो जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो रेड है आपके पास, इवन है ट्रांसफर्ड बॉल जो है वो रेड है, देन ए अपॉन इवन, तो अगेन आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की, लेकिन उस केस में भी आप रेड बॉल ही फाइंड करेंगे। जब आपने ई टू केस यानी ई टू हैपन, वेन ई टू अकर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ड्रॉन बॉल इज रेड वेन द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। तो ट्रांसफर्ड बॉल जब मैंने ब्लैक की तो फिर मेरे को रेड, उस फिर मैं बैक सेकेंड को सिलेक्ट करूंगा। तो ए जो है, आप देखिए केस देखिए आप सबसे पहले कि मुझे सेकेंड बैग में से एक बॉल ड्रॉ करनी है जो रेड इन कलर है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि जो फर्स्ट बॉल है वो आपकी रेड है, यानी फर्स्ट बॉल रेड है, इसमें से आपने बॉल रेड यहाँ पे ट्रांसफर की। तो जैसे आपने यहाँ पे रेड बॉल ट्रांसफर की तो देखिए ये रेड बॉल होगी 5 5 10, यानी 5 रेड है 5 ब्लैक है। उस केस में अगेन रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, द ड्रॉन बॉल इज, क्योंकि एसोसिएटेड इवेंट है वो रेड इन कलर है, तो ए अपॉन इवन जो होगा वो हमारा 5 अपॉन 10, यानी इस तरीके से हम इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड करेंगे। फिर देखिए ई टू क्या है हमारे पास, ई टू मीन्स ई टू इवेंट जो है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की तो यहाँ पे 6 ब्लैक एंड 4 रेड होगी, तो वहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे सिंपल तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये इस केस इसकी प्रोबेबिलिटी, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई, ये इवेंट और इसका मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड अगर हम कर देंगे तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, यानी हमसे पूछा है E2 अपॉन A, यानी जो हमने ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक हमसे पूछा है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाउंड टू बी रेड इन कलर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। तो बॉल आपने ट्रांसफर की थी वो आपकी ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, अपन क्वेश्चन को हमने समझ लिया, अब देखिए सारी क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। तो इवेंट इवन जो है आपके पास, सबसे पहले अगेन हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। इवन जो है द ट्रांसफर्ड बॉल इज, द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, ट्रांसफर्ड बॉल रेड है, ट्रांसफर्ड बॉल अगर रेड है आपके पास, तो आपने देखा कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है आपके पास वो रेड है, आपने रेड बॉल ट्रांसफर की तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी मेरे पास 3/7, पी इवन होगा आपका 3/7। ए टू जो है आपके पास, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट जो है वो है 4/7, ये हो गए सबसे पहले। इसके बाद देखिए इवेंट ए जो एसोसिएटिव इवेंट है, ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैक सेकेंड इज रेड, ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैग सेकेंड इज रेड, तो सेकेंड बॉल सेकेंड बैग से हमने बॉल ड्रॉ की और वो क्या है आपके पास, वो आपकी रेड है। तो वो अगर आपके पास रेड है, यानी हम मुझे हर बार सेकेंड बॉल से रेड बॉल ड्रॉ करनी है, तो फर्स्ट केस देखिए पी ए अपॉन इवन, ए अपॉन इवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ड्रॉन बॉल इज रेड when the transferred ball is red, जब transferred ball भी red थी तो उस केस में मुझे red ball आने की probability यहाँ से find करनी है। तो similarly देखेंगे a upon even क्या बन जाएगा, मैंने first bag से एक red ball वहाँ पर transfer की तो red ball होगी मेरे पास 5, तो 5 तो total sample space हो गया 10, तो outcome हो गया 5 upon 10, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2। तो फर्स्ट केस मेरे पास बन गया यहाँ से, वो देखा आपने वो है आपके पास 1/2, या आप इसको 5/10 भी रख सकते हैं सिंपली, या 1/2 कंसिडर किया आपने। इसके बाद देखिए सेकेंड है आपके पास ए अपॉन ई टू, और ए अपॉन ई टू क्या बनेगा मेरे पास, ए अपॉन ई टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड व्हेन द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। तो अगर ट्रांसफर बॉल अगर ब्लैक होगी आपके पास तो यहाँ पे होगा 6, तो ये केस बन जाएगा आपका 6/10। तो इसको भी आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, और सिंपलीफाई नहीं करें तो देखो ये दोनों वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगी तो हमारी हेल्प करेंगे वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप डायरेक्ट भी इसको इस तरीके से भी रख सकते हो। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, तो ये दोनों केस फाइंड करने के बाद अब आपको फाइंड करना है ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन ए, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ।
तो सारी वैल्यू हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कर ली, तो ये वैल्यू वैल्यू हमें लेनी थी, तो वैल्यू हम वापस लिख लेते एक बार। तो जो वैल्यू है हमारे पास वो है पी ई वन है कि जब रेड बॉल ट्रांसफ़र की यानी 3/7। पी ई टू था हमारे पास जब हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की तो वो हो जाएगा 4/7। पी ए अपॉन ई वन वो निकल गया था हमारा 5/10। और पी ए अपॉन ई टू तो वो हमारे पास निकल गया था 6/10। ये हमारे पास था। अब हमें बेस थ्योरम यूज करनी है, तो बाय द बेस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। और क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है ई टू अपॉन ए का मीनिंग क्या है। ई टू द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक व्हेन द ड्रॉन बॉल इज रेड। द probability of transfer ball is black when the red ball is drawn। तो ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हमें वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा पी ई टू और ये बन जाएगा पी ए अपॉन ई टू। सारी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा पी ई वन पी ए अपॉन ई वन पी ई टू पी ए अपॉन ई टू। ये हमारे पास बनेगा। तो पी ई टू क्या है मेरे पास, उसकी वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। वो बन जाएगा आपका 4/7 इंटू ए अपॉन ई टू, वो है आपका 6/10 अपॉन में ई वन है आपके पास, ई वन है 3/7 इंटू 5/10 प्लस ये सेम ऐसे चलेगा 4/7 इंटू 6/10। अब हमें सिंपली क्या करना है, सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है और प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करते हुए लेके चलना है। तो इसको हम सॉल्व करते हुए चल लेते हैं। तो वो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा। हाँ ओके, देखिए वैल्यू देखिए, अपने एक वैल्यू को हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ए अपॉन ए टू। देखिए आपने तो फर्स्ट केस देखिए पी ए अपॉन ई वन क्या था मेरे पास केस, इसको समझिए। पी ए अपॉन ई वन केस है मेरे पास। क्या केस है, ए अपॉन ई वन है व्हेन द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। हमने रेड बॉल ट्रांसफर की तो ये बन गया 5/10। और अगेन हमें एक रेड बॉल ही फाइंड करनी है। देखिए एसोसिएटिव इवेंट है मेरे पास रेड बॉल, तो मेरे को रेड बॉल यहाँ से फाइंड करनी है, तो ये बन गया मेरा 5/10। सेकेंड केस है मेरे पास ए अपॉन ई टू का मीनिंग है कि व्हेन यू ट्रांसफर्ड ए ब्लैक बॉल, मैंने यहाँ से ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड की तो ये 6 हो गया, 6/10 हो गया मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस। बट अगेन मेरे को फाइंड क्या करना है, रेड बॉल ही मेरे को फाइंड करनी है, तो ये बनेगा मेरा 4/10। तो ये 6/10 नहीं, इसकी वैल्यू होगी आपके पास 4/10। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो ये बन जाएगा आपके पास 4/10। तो ये वैल्यू बनी अपने पास। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा 16/70 अपॉन में आपके पास 15/70 प्लस 16/70। अब सिंपली आप एलसीएम 1/70 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 16/15 प्लस 16 और ये बन जाएगा 16/31। तो ये हमारे पास इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 16/31। तो ये इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। देखिए आपको वापस इसको अच्छे से समझना है कि हमारे पास ए क्या है, ए है रेड इन कलर। मैं ट्रांसफर बॉल कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे को जो बॉल फाइंड करनी है वो अगेन मेरे को रेड बॉल ही फाइंड करनी है। पहला अगर मैंने फर्स्ट रेड बॉल ट्रांसफर की तो जो 4 की जगह हो गया मेरे पास 5 रेड, तो 5/10 मेरे पास बन जाएगा। और अगर इस सेकेंड केस में भी अगर मैंने रेड बॉल यहाँ से फाइंड की, ब्लैक बॉल अगर मैंने ट्रांसफर की तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करता हूँ तो वापस सैंपल स्पेस 10 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर अगेन मेरे को वहाँ से रेड बॉल फाइंड करना है तो रेड बॉल का जो अपने पास फेवरेबल आउटकम है वो आपके पास 4 है, तो वो बन जाएगा 4/10। तो ए अपॉन ई टू जो है उसकी वैल्यू है आपके पास 4/10। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो हमें अपने डिस्कस की। अब इसके रिलेटेड जितने भी आपके पास अगेन जो प्रॉब्लम है उनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसके आगे की जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को आप सोल्व कीजिए, और इसके बाद की जो भी इवेंट्स जो भी अपने पास प्रॉब्लम है उनको आप देखिए। ये हमारे पास एक यूनिक प्रॉब्लम थी, इससे पहले भी हमने एक यूनिक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, और उनके बेस पे आप बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या पर्सनली मैसेज कीजिए ताकि हम उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे डिस्कस कर पाएँ।
तो इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।